हाँ, तो आज रात से ही हम लोग तैयार होना शुरू हो गए थे, क्योंकि हम लोग को यूथ कन्वेंशन के लिए जाना है दुमका 2024 का, जो यूथ सम्मेलन होने वाला है उसके लिए हम लोग रवाना होने वाले हैं। तो बता दे, डाटो पारी से हम लोग करीब करीब 7 जन जा रहे हैं दुमका यूथ सम्मेलन के लिए, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सभी खड़े हैं। गाइस, तो आप लोग हम दोनों को तो बराबर देखते ही हैं साथ में। अभी हम लोग हजारीबाग से रांची रोड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रांची रोड। अभी हम लोग सवारी गाड़ी में जा रहे हैं, और हमारे साथ पीछे में यूथ लोग हैं, और ये विभिन्न यूथ लोग हैं जौरीपल्ली से और डाटोपल्ली से और हरियापल्ली से। हमारे इधर ड्राइवर साहब अभी अपनी यात्रा का आरंभ कर चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टॉपेज हम लोग आए रांची रोड। हमारे यूथ से मिलते जाइए, कौन कौन जा रहे हैं, पीछे घुमाना है बस घुमाना है। रोड स्टेशन पहुंच गए हैं। हजारीबाग से करीब हम लोग निकले थे 9 बजे, और यहां पर 10 बजे पहुंच गए। हजारीबाग से रांची रोड की दूरी कम से कम 1 घंटे की है, और 1 घंटे में हम यहां पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन में। मालगाड़ी खड़ी है, लेकिन हमारी गाड़ी आ नहीं रही है। आने का टाइम है 10:45। ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 1/2 घंटा बाकी है, इतने में हम लोग टिकट ले लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं। अमृता, नाश्ता का प्रबंध? कितने बजे आप लोग बनाए थे नाश्ता? 3 बजे उठ के। 3 बजे उठ के बनाए थे? 3 बजे उठे थे, उसके बाद भुजिया रोटी बनाने का तैयारी। इसका मतलब आप लोग रात में कितने बजे सोए थे? रात में नींद भी नहीं लग रहा था, और जब नींद आया उसमें उठने का टाइम। वाह वाह, जाने की खुशी। अभी जैसे 6 बजे हम लोग को टाइमिंग दिया गया, 6 बजे पहुँच के जल्दी। नाश्ता 3 बजे रात सुबह से ही बनाया गया, तीसरे पहर में ही। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन रांची रोड का, यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, भूख भी लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, किसी किसी के पेट में हाथी भी परेड कर रहा है शायद। तो हम लोग अभी यहाँ से टिकट बुक करने जा रहे हैं रांची रोड टू चंद्रपुरा जंक्शन के लिए, टिकट बुक करने जा रहे हैं। हम लोग करीब 18 जन हैं, 3 पारिश मिला करके, डाटो, हड़ियो और जोरी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कड़ी धूप है, और तभी 1 घंटा हो रहा है यहाँ पर आए हुए हम लोग, और यहाँ पर रहते रहते हमारे अलग अलग फीलिंग्स हो सकते हैं। तो आइए हम पूछते हैं हमारे लोगों से, हमारे यूथ गन से, कि उनका फीलिंग क्या है, कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा लग रहा है, इसलिए हम लोग धूप में खड़े हैं। मधु, विटामिन डी ले रहे हैं। मधु कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है फादर, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है उनका जाने के लिए, और वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कब आवे, पर आ ही नहीं रही है। 10 रुपया का कुरकुरे। तो इतने इतने सामान लेकर के जाना है। इधर पैट्रिक कैसा लग रहा है? क्या बोले, बहुत ठंडा लग रहा है, धूप में खड़े हैं। ठंडा का मैं ठंडा महसूस हो रहा है, अक्टूबर महीना चढ़ गया है इस वजह से। तो इधर भी जानकारी ले लेते हैं। हेरी न्यूज, हेरी न्यूज, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत मस्त लग रहा है, मजा लग रहा है। और इधर ठंडा, इसीलिए धूप से गा रहे हैं।
और इधर धूप लग रहा है, छाया में बैठे हुए हैं, काला ना हो जाए बोल करके। बहुत मजा आ रहा है, इसे तो फोन चला रहे बहुत नींद भी आ रहा है, गर्मी भी लग रहा है, फिर भी नींद भी लग रहा है, नींद भी लग रहा है, सही नहीं चल रहा है, गर्मी से ठंडा नींद लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, खुशी लग रहा है। बहुत एक्साइटेड थे लेकिन अभी यहाँ पे आके लग रहा है कि इतना धूप की वजह से कुछ मजा नहीं आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट बेकार हो चुका है। तो आप लोगों ने सुना कि कैसा एक्साइटेडमेंट, कैसा एक्साइटमेंट है और कैसा फीलिंग्स है, लेकिन वहाँ जाके एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों को थोड़ा देख के फील होगा तो थोड़ा मजा ही आएगा और क्या। स्टेशन में चहल पहल है क्योंकि ट्रेन आ रही है, बच्चे लोग एक्साइटेड भी है। ट्रेन खाली है, मेरा खुद ना सामान सामान रखा जाए। अच्छा सर, यहाँ रखो, इधर ऊपर रखो सामान। ऊपर भी भीड़ होगी, रांची रोड से हम लोग ट्रेन पकड़ चुके हैं और ये ट्रेन निकल रही है। सीट खाली मिल गया है और हम दोनों तीन जने यहाँ पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं फादर यहाँ बैठ करके आराम कर रहे हैं। हमारे डाटो के युद्ध लोग आराम कर रहे हैं, खाली ट्रेन मिली है। इधर रहाड़ियों और जोरी के युद्ध लोग हैं, सबों को सीट मिल चुकी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? और डाटो से आ रहे हैं। यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा लगा, सोते सोते आए हो कि हंसाने वाला कौन था? कौन सा जोक मार रहा था? एनीवे अभी तक का सफर तो मजा आ गया, अभी लंबा बाकी है। सीट कंफर्म है उधर जाने के लिए?
हाँ कंफर्म सीट मिल गया। तो हम लोग पूरा स्टेशन में उतर जा चुके हैं और ये ब्रिज के ऊपर से हम लोग पार हो रहे हैं। लोकल है लोकल। बोलिए ऑटो बोलिए कहाँ जाएंगे? बोलिए कहाँ बुरी जाना है, कहाँ जाना है? मेरे छोड़ दिया जाएगा घर। यहाँ पर एक ऑटो करें हम लोग रांची रोड से चंद्रपुर स्टेशन आए और उतर चुके हैं। अभी बारिश की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए 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 तो कहाँ पर चढ़े थे? राय। कितने जन लोग? 11 जन। 11 जन सब मंडेर वाले लोग? मंडेर वाले। तो मंडेर से चंद्रपुरा तक का सफर कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या क्या से सफर करके आए? बस और ट्रेन से। बस और ट्रेन से और पैदल भी इस तरह युवागण एक दूसरे को मदद करते हुए अपने एक दूसरे का बैग ढो करके आगे जा रहे हैं। संत जोसेफ द वर्कर चर्च पहुंच चुके हैं। यहाँ पहाड़ की तरह चढ़ान है, एक गियर में चढ़ना है सभी को। चलो आरुषि धीरे धीरे आ रहा है। सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च में हम लोग एंट्री कर चुके हैं चंद्रपुरा। यह चर्च बिल्डिंग है जो सामने देख रहे हैं और इधर गोरोटो है वहां पे।